तो फ्रेंड्स, जन्माष्टमी से पहले दिन रात को मैं यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही हूँ, सेवैयाँ बना रही हूँ। हमारे यहाँ सेवैयाँ बनती हैं रात को, और इसको ना सुबह अर्ली खाते हैं। जो 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 व्रत रखते हैं ना, वो लोग सुबह 4 बजे, 3:30-4 बजे सेवैयाँ थोड़ी सी जितनी इच्छा हो उतनी खाते। तो यहाँ बन रही है सेवैयाँ, और प्रसाद बन गया, मतलब जो रात को सेवैयाँ बनती हैं वो बन गई है। अब इसका भी भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए भोग निकाल देती हूँ। बाउल मैंने अच्छे से धो दी है भगवान की, सब कुछ अच्छे से क्लीन करके, सारे बर्तन जो पूजा के होते हैं वो सब क्लीन कर दिए, मंदिर भी क्लीन कर दिए। चलिए अब भोग लगा देती हूँ। हमने मंदिर की जो है डेकोरेशन थोड़ी बहुत कर ली है, थोड़ी बहुत अभी बाकी है। बैलून्स का पैकेट नहीं मिल रहा, हम दोनों मम्मा बेटा बैलून ढूंढे जा रहे हैं, बैलून्स मिल ही नहीं रहे हैं। तो हम सोच रहे थे अभी रात को बैठ के बैलून फुलाएंगे। मंदिर तो पूरा साफ कर दिया और अच्छे से सजा भी दिया। हे, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो आज है जन्माष्टमी और मैंने कर ली है जन्माष्टमी की जोत, वो भी दिखाती हूँ। और कान्हा जी का श्रृंगार भी कर लिया है, और अब बस आरती करनी है। तो उससे पहले सभी को गुड मॉर्निंग कह दिया, और आगे जो करना है वो आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पंचामृत। उसके लिए सबसे पहले मैंने डाला है दूध, जैसा कि हमने अपनी दादी नानी से सीखा, मम्मा से सीखा, वही मैं बता रही हूँ पंचामृत बनाने का तरीका। मैं डाल रही हूँ दही। वैसे तो भगवान को इन सब चीज़ों से स्नान करा के भी चरणामृत बनता है, पंचामृत जिसको बोलते हैं। अब डाल रहे हैं शहद। तो मैंने डाला है अब तक दूध, दही, शहद, काउंट करके, या तो 5 चीज़ें या 7। अब देखिए मैं 7 चीज़ें डालूंगी कुल मिला के। शहद साथ में डालेंगे, थोड़ा सा पानी उसके साथ ही डालूंगी, थोड़ा सा गंगा जल। तो ये मैंने डाल दिया गंगा जल। चीनी डाल लेती हूँ और तुलसी का पत्ता। तुलसी के पत्ते के बिना इनकम्प्लीट है, तो इसको छोटा छोटा तोड़ के डाल देती हूँ। बस अब इसे मिक्स कर लूँगी। पंचामृत हमारा रेडी है। अच्छे से मिक्स करके थोड़ा दूध दही और डाल लूँगी। हमारा पंचामृत रेडी है और पंचामृत बन गया। अब उसके बाद अब बनाऊंगी बाकी का भोग। तो पंचामृत हो गया रेडी। अब बना रही हूँ भगवान के लिए मक्खन। तो मैंने ले लिया मलाई, और मलाई में मैं डाल दूंगी चिल्ड पानी। ये मलाई वाला बर्तन ही था मेरा। और अब इसको मैं अच्छे से डिप करूंगी। अगर आप विप करे जा रहे हो लेकिन मक्खन नहीं निकल रहा, तो उसमें थोड़ा सा चिल्ड वाटर डाल दीजिए और फिर से दोबारा से विप कीजिए, मक्खन फटाफट से निकल आएगा। तो ये देखिए कान्हा जी का फेवरेट मक्खन रेडी हो गया। अब इसके ना छोटे छोटे लड्डू बनाऊंगी, और साथ में मैं सोच रही हूँ ड्राई फ्रूट्स की बर्फी बना लूँ, या भी देखते हैं क्या बनाते हैं। तो मक्खन तो हो गया रेडी, पंचामृत भी रेडी हो गया, और बच्चों ने भी फास्ट रखा है, देखते हैं कब तक चलता है उनका फास्ट। फिलहाल अभी उनको बहुत भूख लग रही है। इस मक्खन आंटी को देख के ना मुझे बहुत खुशी मिल रही है, और इसके ना भी फ्रेश मक्खन है ना, बिल्कुल ही फ्रेश है, तो लड्डू नहीं बने। तो मैंने इस तरीके से ही इसके ऊपर मैंने ना थोड़ी चीनी ही डाल दी। अब इसको रख देती हूँ, कहाँ पे रखूँ। और उसके बाद बनाए, देखो मैंने गायें भी रखी है, कृष्ण भगवान को गायें बहुत पसंद होती है ना, तो गायें भी रखी है। तो बच्चों ने भी किया है फास्ट, बच्चों के पापा ने भी किया है फास्ट, और बच्चों का फर्स्ट टाइम है। अभी उनको थोड़ी थोड़ी बात भूख लग रही है ना, बच्चों को भूख लग रही है, लेकिन अभी देखते हैं फास्ट कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। मैं छोटी थी तो मैं हमेशा करती थी फास्ट, बचपन से ही की है मैंने। और शादी के बाद मैंने, मेरा आज फर्स्ट है फास्ट, शादी के बाद मैंने मतलब बंद कर दिया था, क्योंकि बच्चे छोटे थे तो इसलिए नहीं किए थे फास्ट।
और ये देखिए दरबार कितना अच्छा लग रहा है। और कल ना मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, मैं थोड़ा ढीला ढीला फील कर रही थी, तो कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। और आज मंदिर जाएंगे तो वहाँ से भी वीडियो बना के लाऊंगी, मैं आपको दिखाऊंगी मंदिर की डेकोरेशन। मेरा तो मन है मैं वहाँ जाऊँ। पर तेरे स्कूल के पास कौन सा मंदिर है? वो इस्कॉन, हाँ पंजाबी बाग इस्कॉन टेम्पल जाने का मन है। अगर हो पाया तो जाऊंगी, नहीं तो अपने अपने ब्लॉग पर आऊंगी। चलो जी स्टार्ट करती हूँ किचन का बाकी का काम। ड्राई फ्रूट्स लेके आ गई हूँ फ्रिज से, और ये हटाती हूँ और कढ़ाई रख दी है। बनाते हैं ड्राई फ्रूट्स वाली बर्फी। तो नॉर्मली सब लोग मंदिर जाने के लिए सूट पहनते हैं, और मैंने सूट चेंज करके टॉप पहन लिया, क्योंकि हम जाएंगे ओला से, थोड़ा मंदिर दूर है और थोड़ा आने जाने में कंफर्टेबल रहेगा। तो अभी मैं जीन्स पहन ली और हम जा रहे हैं पंजाबी बाग इस्कॉन टेम्पल, जहाँ बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता है। और पहले मेरा प्लान था घर के आसपास वाले मंदिर में जाऊँ, लेकिन इस बार थोड़ा मेरा मन हो रहा था कि देख के आते हैं। एक बार मैं जन्माष्टमी से नेक्स्ट डे देख के आई थी, तो बहुत अच्छा वहाँ पे होता है। तो अब मैं और मेरा बड़ा बेटा हम दोनों जा रहे हैं ओला से इस्कॉन टेम्पल। यहाँ पे मैं कृष्ण भगवान का भोग की और फलिहार की तैयारी कर रही हूँ। इधर मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मखाना काजू बादाम फिलहाल रोस्ट हो रहा है। यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर बना के उसको रोस्ट करके रखा है। अब ये निकालने के बाद, ये वाले जो ड्राई फ्रूट है ना, इन्हें रोस्ट करने के बाद मैं इसमें खरबूजे के बीज और नारियल का बुरादा उसको भी रोस्ट कर लूँगी, और ये सब चीज़ें निकाल के पीस लूँगी, और फिर से कढ़ाई में सिंघाड़े का आटा भूनूँगी, और फिर सब चीज़ें मिलाऊँगी, और फिर उसमें शुगर पाउडर या खांड जो भी मीठा रखना हो वो सब। व्रत है भाई तेरा, खा लिया व्रत में कैसे खा लिया। तो अब इसको अच्छे से भून लेती हूँ। और हमारी अभी कैब आने वाली है, अब पर्सनल कार नहीं लेके जा रहे हैं, रश थोड़ा ज़्यादा होता है, वापसी में दिक्कत होगी। इसमें कैब आती है, इसमें मैं तो चार की तैयारी कर रही हूँ। आई थिंक भून गया है, बंद कर देती हूँ उसको। फटाफट से प्रसाद भून रही हूँ, जल्दी जल्दी प्रसाद बना के, फीलिंग पूरी है, लेकिन प्रसाद बनाने के बाद कैब आने वाली है। तो जब तक कैब नहीं आती है ना, तो तब तक जितना काम मैक्सिमम हो सके वो कर लूँगी, बाकी आने के बाद करूँगी। बाकी मैंने सुबह भी एक बार भोग भगवान का लगा दिया है, और ये जो पंजीरी वाला धनिया वाली पंजीरी होती है, इसका भोग जो है रात को लगता है, तो ये भी रेडी हो रही है। तो ये सब रोस्ट हो गया है, इनको इकट्ठे पीसूंगी। यहाँ पे नारियल का बुरादा भुन रहा है, इसको ज़्यादा नहीं भूनना, बस सिंघाड़े का आटा और भूनना है इसके बाद। दादी अपने घर के पास के मंदिर भी अच्छा सजे हुए हैं ना, गोपाल मंदिर अच्छा सजा हुआ है, और यहाँ काली माता मंदिर वो भी अच्छा सजा हुआ है, और वो जो उसके पार्क के सामने है वो भी। आते वक्त मेरे को चांस लगा तो मैं जाऊंगी, टाइम से वापस आ गई तो। अपने वहीं के मंदिर में ही दर्शन कर लेंगे, तब ओला बुक करवा रहे हैं वापस से। बाहर से भी दर्शन करने का कोई ऑप्शन नहीं है, बाहर से बहुत दूर से ही मना कर जाने के। चल हो गई है बेटा, चलो। इतने मन से मैं आई थी यहाँ पे, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता है, मैं सोचा था बनाऊंगी वीडियो भी बनाऊंगी, बहुत ही दिल से आई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वही वाली हो गई, वही वाली हो गई, कैसे पता? ये देखो वही है।
शॉप, काफी अच्छे भैया बनाते हैं। हाँ हाँ, एक प्लेट बोल दो ना, एक प्लेट बना दो। ये इधर एक साथ तीन चार दुकानें हैं, ये सारी यहाँ पे पूजा का सामान मिलता है, बड़ा सही हर तरह का सामान मिल जाता है पूजा से रिलेटेड सब कुछ। अभी मेरे को यहाँ से लेनी है खांड, जो कि मैं प्रसाद में डालूंगी, डालने वाली हूँ। रोड पे कोविड शुरू होने से पहले आज के दिन इतनी भीड़ होती थी कि निकलना मुश्किल हो जाता था, और अभी सब खाली पड़ा है, मतलब इतना ज़्यादा रश नहीं है। यहाँ पे दो तीन मंदिर एक लाइन में है, तो अगर टू व्हीलर पे है तो बहुत ही टफ है, फोर व्हीलर तो आप भूल ही जाओ जाना, और पैदल भी बड़ा टफ होता है निकलना। अब जो एक मंदिर है जिसमें हमारे खाटू श्याम जी का भी मंदिर है, वहाँ पर मैं जा रही हूँ उस मंदिर में, पहले वहाँ दर्शन करूँगी, उसके बाद आगे गोपाल मंदिर है, फिर उसमें दर्शन करूँगी। तो मैंने मंदिर में चढ़ाने के लिए टॉफी का पैकेट और बिस्किट के पैकेट्स की पैकिंग ले ली है, जाके मंदिर के अंदर। तो यहाँ पर है ये बिल्कुल हमारे घर के पास वाला मंदिर, जाके मुझे थोड़ा प्रसाद भी बनाना है, जो मेरा काम थोड़ा था, क्योंकि घर के बिल्कुल पास है, तो एक बार दर्शन करके जाऊंगी। आदि तेरे को अंदर से दर्शन करने हैं? नहीं, चलो मैं हाथ जोड़ जाऊंगी एक बार। बढ़िया से आलू पनीर डाल के, और थोड़ा सा डाला मैंने इसमें सिंघाड़े का आटा, ऐसा मिला के इसी कढ़ाई में भुना था, तो इसी में ही रखती जा रही हूँ। तो इसके ना गोल गोल बॉल्स बना रही हूँ, थोड़ी बड़ी बड़ी। और फिर क्या बनाओगे इनका? इनको फ्राई करके, और इसके साथ तो दो चटनी बनाऊंगी, एक अमचूर की और एक बनाऊंगी हरी वाली धनिया की, धनिया पुदीना। इनके क्या बनाओगे फिर आप? हैं, अगर आपको जैसे टिक्की होती है ना, आप कहोगे तो इसको प्रेस करके टिक्की की तरह बना दूंगी, नहीं तो ये बॉल्स बनेंगी फ्राई होके। अच्छा। मैंने लोअर चेंज कर लिया आके, कंफर्टेबल हो गई मैं लोअर चेंज करके। अच्छा। आज तो बड़ा मजा आया, वैसे ना भगवान के बर्थडे पे आता तो मजा है, व्रत तो रखा है मैंने इतने दिनों बाद, व्रत रखा ना मैं भगवान से ना, सबसे पहले सुबह उठ के ना ये विश मांगी थी कि भगवान आज मैं ना बहुत टाइम बाद व्रत रख रही हूँ, तो मेरे को थोड़ी शक्ति देना कि मैं रख पाऊँ। मेरे को डर बहुत लग रहा था कहीं निभ पाएगा कि नहीं, अब तो ऑलमोस्ट निभ गया। 9 बज रहे हैं पर, 9:17 मैंने भी कैसे तैसे करके कर ही लिया, पर बीच में गलती से मैंने एक घूंट पी ली थी पानी की, गलती से। बांसुरिया पे घणो इतरावे, बांस की बांसुरिया पे घणो इतरावे, कोई सुना की जो हो तुम्हारे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी नंद लाला, नजर तो ही लग जाए तुम्हारे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाए नंद लाला, नजर तो ही लग जाए गोपाला, नजर तो ही लग जाएगी नंद लाला, नजर तो ही लग जाएगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
एक और कोई सुंदर सा भजन मेरे दिमाग में आ रहा है, वो गाती हूँ भगवान के लिए। शाम थारी चौखट पे आया हूँ मैं हार के, लायक बना लो भाने थारी दरबार के, लायक बना लो बाबा थारी दरबार के। बाबा के भी दर्शन करा ना। बाबा थारी चौखट पे आई हूँ मैं हार के, लायक बना लो भाने थारी दरबार के, लायक बना लो बाबा थारे दरबार के। ये कितना अच्छा लग रहा है ना भोग। अभी मैं वो भोग बना रही हूँ जो एक और काम किचन में चालू है, वो भी रखेंगे। और ये भी टिक्कियां बना रही है मम्मा। टिक्कियां बना रही है। हाँ वो भी, उसका भी भोग लगाएंगे लड्डू गोपाल को। और हमारी जो ये घंटी है ना, ये टूट गई है नीचे से, तो इस घंटी को मैं आज कल ऐसे यूज कर रही हूँ। अगर ऐसे यूज नहीं करना हो तो प्लीज मुझे कोई बता देना, क्योंकि मैं ऐसे यूज करती हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि पता चले पाप लगता हो ऐसे यूज करने से, तो अगर किसको बता दो। यहाँ पे देखिए मेरी, मैंने फ्राई करने के लिए रख दी है, ये वाली फ्राई हो रही है और इधर ये फ्राई हो चुकी है, तो मैं फ्राई करके रख रही हूँ। और जब टाइम होगा व्रत खोलने का तो इनको अगर गर्म करना हो तो थोड़ा प्रेस करके भी गर्म कर सकते हैं, या एक बार और फ्राई कर लेंगे या माइक्रोवेव कर लूँगी, देखते हैं, उसी टाइम डिपेंड करता है। और चटनी बना ली है, अमचूर की चटनी रेडी है, बना चुकी मैं, ये रखी। अमचूर की चटनी मैं पहले भी रेसिपी बता चुकी हूँ। दही को मैं फेटूँगी अभी और उसमें जीरा नमक डाल दूँगी। भुना हुआ जीरा मैंने भून के इसमें रखा हुआ है क्रश करके। और ये बॉल्स भी मेरी रेडी है, और ये फ्राई कर सकते हो आप किसी भी व्रत पे। इसको मैं ढक के अच्छे से रख देती हूँ अभी एक साइड पे। और यहाँ पे मैंने एक जार में धनिया धो के उसमें हरी मिर्च सेंधा नमक डाला है, इसको पीस लूँगी अच्छे से। उसके बाद इसमें गाढ़ी गाढ़ी दही मिक्स करनी है, मैं मिक्स करूँगी, दिखाती हूँ आपको, पहले से पीस लेती हूँ। अभी देखो इसमें मैंने 3 चम्मच दही डाल दी है और इसे मिक्स कर दिया है। इसका जब तक कलर भी तो रेस्टोरेंट में जैसी मिलती है ना वैसा नहीं हो जाएगा ना, उतना दही हमें डालना है। और यहाँ पे सॉरी, और यहाँ पे पार्थ जो है क्रश करने में हेल्प करवा रहा है। कितना खतरनाक क्रश कर दिया, क्रश कर दिया, वेरी गुड, बहुत एकदम। अब मैं इसमें थोड़ी और दही डालती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आगे की प्रिपरेशन कर लेती हूँ भोग बनाने की, और बाकी किचन फिर साफ कर लेनी है। और क्योंकि व्रत तो अभी 12 बजे तक चलेगा, तो 12 बजे तक वीडियो तो नहीं मैं चालू कर सकती, वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। पार्थ भी बाय कर रहा है, बाय। और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट भी करें। जय श्री राधे कृष्णा सभी को।